वोट तो रेवंत जी ने दे बीजेपी ने दे तो ही था बताओ मां गई हम जा बेनी वाल दमो जन मुंडो है बोले गए ये मुंडो बोल रहे वजह है यार पार्टी कोनी करी गई वोट कांग्रेस ने देवा मत वोट कांग्रेस कांग्रेस विकास के आधार मत अब बसबा अच्छा बस बस बम तो कौन है आपने नेम सिंह है हाँ नेमा राम जी अच्छा तो बस बात तो टक्कर ले ही नहीं टक्कर कौन ले हाँ कितना वोट ले 2000 कटी चांद बाबा में जीत कोनी विकास का मामला में देखा क्यों सर में सड़कों को झाड़ बिछाड़ो पड़ियो है गांव में बाहर इतना स्कूल हॉस्पिटल जावा जनी सड़क देखा जनी सड़क ये है। नमस्कार, मैं अजय पाल, आप देख रहे हैं बोल राजस्थान। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज मैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के गांव सिलगांव में मौजूद हूं। यहां पर जनता से जानेंगे कि इस बार किसका माहौल भारी लग रहा है। राम राम सर। राम राम सर। आपका कोई नाम है? श्रीराम। श्रीराम जी, आप बताओ अब की बार तो कौन जीते हैं खींवसर? खींवसर RLP के और बीजेपी की टक्कर है। टक्कर है का ही कारण? हमेशा बीजेपी अटे कमजोर रहे, तीसरे नंबर रहे, और अब की बार कारण है 3-4 RLP टूट गए। रेवंत जी है, जगदीश बीडिया सर है, और सोई जी आएगा और बाणु की प्रभाव पड़ियो। बिल्कुल प्रभाव पड़ी। दूसरी तरफ RLP छोड़ना या बाद रमाइन रेवंत जी ने टिकट देने भेजिए बीरू की अटे बीजेपी मजबूत नजर। बिल्कुल मजबूत आए। आप वोट कर ली साइड है? अब वोट तो रेवंत जी ने दे बीजेपी ने दे। अच्छा, तो जीता हूँ हम कामयाब रहे वो के मांगे दिन पूरी कोशिश है। अच्छा, राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। हाँ बताओ अब की बार कौन अट मजबूत लगे था क्यों सर? रेवंत जी। कहीं कारण रेवंत जी मजबूत लगे? अब कारण तो था हम तो यो बजे तो ही था बताओ मां गई हम जा बेनी वाल दमो जन मुंडो है बोले गए ये मुंडो बोल रहे वजह है यार पार्टी कोनी करी गई वोट यो। हाँ तो अब गए राय देव हनुमान पक्को यो कितना वोटों में राव अरे हिलगा मत ही वोट लेवे जीत निकले जगह हम 3-4 वोट हार निकली यो। हाँ तो भागीरथ जी मेरी हाजत कही एक कांग्रेस में गया फस आए भाजपा ज्वाइन करिए कल वे तो अब करनी जाओ रेवंत जी हाँ ला गई अब गए यो परसराम जी करियो ना बैठा ने हम नजराम जी भोपाल गड्डू जकी हुई देख लिया था। अच्छा, तो RLP अटे लगातार टूटे है ज्योति मिर्दा है जैसे कि RLP ने लगातार बीजेपी माया पर तोड़े है। रेवंत जी ने लाई, जगदीश जी ने लाई, माईपाल मेला है और रेवंत जी ने टिकट देन मे लियो। तो रेवंत जी आदमी केड़ा के जोरदार है आदमी बढ़िया थानो वोट अब गए रेवंत जी जावे। हाँ रेवंत जी ने सब पहली बार मान गया अगला अब गए रेवंत जी का तो हनुमान नो इतो टूटनो का ही कारण रियो पछे अब लाडलू मत पूछो मन कारण का। हां बताओ थानो वोट अब की कर ली साइड है? मां को थादी लागे जटी लागी सा हदे कट लागे बजा बंटा थोड़ी कांग्रेस लागे तो कांग्रेस ही आमा यो। कांग्रेस एक नया चेहरा ने अब की उतारियो है तेजपाल मिर्दा ने दुर्ग सिंह चौहान रो टिकट काटन बेनी देखना यो। तो कांग्रेस रो वोट कितना गए? कांग्रेस का वोट है कम ही है ज्यादा कौन यो कहीं सीट निकाल ले कांग्रेस अब देखो निकाल जीव निकाल ही बताओ यो। हाँ थान वोट कांग्रेस ने मां को कांग्रेस ने और वही लोग बनो था बताओ सर कांग्रेस ने देवा मत वोट यो। कांग्रेस ने कहीं आधार मत एक काम अच्छो कर मांगे देवे मोड़े अगला तेलिया शासन राशन पानी खाऊं ने खावा का। अच्छा, इस कारण आसो जी गेलो जके योजना का शायद देव मांगे तो शायद देव से मिले और कहीं शायद देव को कोई। अच्छा, तो थानो क्यों मतलब मुख्यमंत्री तौर माता अशोक गहलोत का काम सही कर रही है बहुत तगड़ो ओयो हुनो अशोक गहलोत बिर बावजूद ही अटे कांग्रेस आवे कोनी लगातार 3-4 बार चुनाव हुआ जगर माई ने RLP रे आवे कोनी बदे अटे लाला एटा बे जे भे पानी में ओ थोड़ो कोशिश करे फिर नंबर आई बदे। अच्छा, तेजपाल नो नंबर आसे? हां तेजपाल को आवत कोनी आवश्यकता है यो नंबर तो अभी आवे कोनी आई। अच्छा, नंबर तो हाँ साहब थानो नाम बताओ? भरत जी। भरत जी था बताओ अब की बार केरो पलटो अट क्यों सर भारी लागे अट कांग्रेस रो यूँ कहीं आधार मत कांग्रेस रो भारी हो? कांग्रेस कांग्रेस विकास के आधार मत। अच्छा, अटे कांग्रेस हूँ अपने उम्मीदवार तौर माते दुर्ग सिंह जी भी दावेदारी करता और प्रबल दावेदार मानता बाणु टिकट काटन तेजपाल जी दियो बिरू की फर्क रहे कांग्रेस रो? नहीं की फर्क होन रहा यो। हाँ, तेजपाल जी इंसिया में बोल ले, दुर्ग सिंह इंसिया में बोल ले। अच्छा, तो आप तो कांग्रेस रहो तो कांग्रेस की बात करो तो थाने कहीं लगे क्यों सिर्फ विधानसभा सीट काट सके कांग्रेस? हाँ काट सके, RLP और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। RLP और कांग्रेस की टक्कर है? हाँ हाँ बताओ साहब।
आपा बसबा। अच्छा बसबा, बसबा में तो कौन है आप? नेम सिंह है। हाँ नेमा राम जी। अच्छा तो बसबा तू टक्कर ले? नहीं टक्कर कौन ले? हाँ कितना वोट ले? वोट ले 2000। दूसरी तरफ बन बैठा था लोग बीजेपी जीत सके। देखो कटी चांद बाबा में जीत कोनी, विकास का मामला में देखा खेसर में सड़कों को झाड़ बिछाड़ो पड़ियो है, गांव में बाहर स्कूल हॉस्पिटल जावा जनी सड़क देखा जनी सड़क ही है। ठीक है रही बात दूसरी, अबे लोग कोई कहीं कैसे का आपने मन का भाव, कोई कहीं कैसे, कोई कहीं कही, कोई कहीं कही, बाकी आरएलपी एक तरफ जीते कोई को मतलब 20,000 प्लस मान चलो थे आप। अच्छा तो टक्कर तो रेवन जी और आरएलपी रही? नहीं लोग कह रहे कि बीजेपी की टक्कर रही, कोई कांग्रेस की टक्कर रही, बाकी टक्कर नेड़ा लागे ही कोई मेन बात तो है। अच्छा ठीक है, कोई तीसरे नंबर बीजेपी जाए जाए, दूसरे नंबर आ सके दुर्ग सिंह। दुर्ग सिंह निर्दलीय तौर पर है? बिल्कुल निर्दलीय तौर पर होना उन्होंने क्योंकि वोट है। दूसरे नंबर ऐसे के दुर्ग सिंह और बीजेपी जाए तीसरे नंबर समथिंग। तो अब की बार क्या ही है कि अटे पहला विदयी का नारायण जी बनो टिकट काटन खुद हनुमान जी लड़े बीरो कहीं कारण भाई एक ही चीज एक ही परिवार में चाहे नारायण जी लड़ो चाहे हनुमान जी लड़ो भाई एक ही चीज एक ही दिक्कत है। हां बताओ सर। मैं आरएलपी हूं। आरएलपी कहीं आधार में आरएलपी चुननी तो आरएलपी विकास का मामला। अच्छा बताओ साहब धन कहीं लगे माँ का दारल भी आया था। कितना वोटों जीत निकालो? 20,000 प्लस वोट। क्यों सर मायन चर्चा चले के रेवन जी डांगा सीट निकाले? नहीं क्यों वो निकले रेवन जी क्यों प्रभाव बन रहे? क्यों प्रभाव बन रहे? अभी मैं सिलगांव गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर जनता की राय जानी और उनसे पूछा कि इस बार जो है कौन कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रेवंत राम डांगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनके बीच में टक्कर रहने वाली है।